फरुखाबाद में दबंगों ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर युवक को बंधक बनाकर जमकर पीटा, रात में कमरे में बंद कर दिया। जब परिजनों को सूचना मिली तो परिजनों ने कमरे का गेट खोलकर निकालने की कोशिश की, दबंगों ने फिर से मारपीट कर दी। आरोप है कि युवक को जहरीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे कुछ घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई। फरुखाबाद जिले के थाना कमालगंज क्षेत्र के खजुरिया नगला निवासी युवक सुरजीत को दबंगों ने मारपीट कर जहरीला पदार्थ पिलाया। जब परिजनों को जानकारी हुई तो परिजन युवक को सीएससी कमालगंज लेकर पहुंचे। सीएससी के डॉक्टर ने गंभीर हालत देखने पर लोहिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया। युवक को जिला अस्पताल लोहिया ले जाते समय ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची, मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस को युवक की हत्या किए जाने की तहरीर दी गई। पुलिस ने मृतक के भांजे की तहरीर पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मृतक के भाई दीपू ने बताया कि सुरजीत व उनके भांजे के साथ फौजी ने कई लोगों के साथ मिलकर घर में बंद कर मारपीट की। सुरजीत को जहरीला पदार्थ खिलाया गया या उसने खाया, इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी हुई तो ये लोग रास्ते में मिले, इसके साथ ही सीएससी कमालगंज लेकर मृतक को पहुंचे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि कमालगंज क्षेत्र के ग्राम रजीपुर निवासी 20 वर्षीय सुरजीत पुत्र मुन्नालाल जाटव कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम बुढ़ना मऊ के मजरा कठेरियन नगला निवासी कैलाश जाटव पुत्र पूरन लाल का पुत्र था। उसकी कमरे में बंद करके लाठी डंडों से पिटाई की गई। तहरीर में परिजनों ने मारपीट के दौरान उसको कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया, इसकी आशंका जताई गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। मृतक के भांजे की तहरीर पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इन्हें मतलब जो मौत तो हुई है, फौजी साहब, फौजी लोगों ने मारो है ना, कमरा में बंद करके दोनों भांजे को ना, तब मतलब पता नहीं उन्हें खबाओ इन्हें खाए लो इन्हें पर मारपीट करी इनके साथ में। हाँ, उन्हें मतलब कमरा में बंद करके मारो ना। कौन किसने मारा है? ये मेरे भाई है, मतलब सुरजीत और मेरे भांजे गुलशन मारा है। तब ने जहर खाया है? तब ने जहर खाया है? पता नहीं जहर इन्हें खुद खाओ या उन्हें मतलब खवाए, हमें तो मतलब जो मतलब घर पर ना हमें रास्ता मिले रास्ता मिले जहर। थाना फतेहगढ़ के कठेरिया नगला मोहल्ले में सुरजीत नाम का एक 22 वर्षीय युवक जो मूल निवासी कमालगंज क्षेत्र का था, वो यहाँ पर किराए का मकान लेकर रह रहा था। आज उसकी डेड बॉडी धान के खेतों में पाई गई और वहाँ पर पॉइजन की एक शीशी भी मिली। परिजनों ने इस बात की तहरीर दी कि उसे जगदीश, पूजा, कैलाश, अनुज इत्यादि कुछ 6 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे जबरदस्ती जहर खिलाने के भी आशंका उन्होंने व्यक्त की है। इस तहरीर के आधार पर थाने पर धारा 147, 149, 302, 201, 328, 511, 501, 323 IPC का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।